तो यार कुछ पोकेमोन के एपिसोड्स कुछ ज्यादा ही बढ़िया होते हैं और दूसरी तरफ कुछ ज्यादा ही घटिया होते हैं कई एपिसोड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ उसी के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप 10 ऐसे पोकेमोन के एपिसोड्स जो कि हार्ट ब्रेक करने वाले थे। जी हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम थे, लेकिन यार उन्होंने आखिर में आते आते फैंस के दिलों को तोड़ दिया था। तो यार ये वीडियोस इसलिए बनाई है मैंने, ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि यार कौन कौन से इनके IMDb रेटिंग में देखेंगे अपन। तो देखते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से व्यूज़ तो आ जाते हैं पर यार लाइक्स बिल्कुल नहीं आते, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो जाके, एक बटन ही तो दबाना है। तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ऐश वर्सेस टोबियस। तो यार ऐश वर्सेस टोबियस का मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और सही में देखने लायक था। जिनने भी नहीं देखा तो यार मैं रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ चेक, तुम कुछ ना देखो प्लीज़ ऐश वर्सेस टोबियस का मैच ज़रूर देखना, क्योंकि उस मैच वो में अलग ही बात थी यार। मतलब टोबियस के पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे और ऐश ने सही में उसके डार्क कराए और लेटियास को हराया था, तो वो सही में एक OP मोमेंट था। तो यार देखा जाए तो इसमें सैड मोमेंट ये था, और मतलब हार्ट ब्रेक एपिसोड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब टोबियस ऐश को हरा देता है तब जो ऐश का रिएक्शन होता है वो दिल तोड़ने वाला था, बिकॉज उस लीग में ऐश ने पूरी मेहनत की थी और आखिर में टोबियस जीत गया था, वो भी सिर्फ लेजेंडरी पोकेमोन की मदद से, तो यार बुरा तो लगेगा ही ना। नंबर 9, ऐश रिलीजिंग इज बटरफ्री। तो यार ये सही में 90% ऑफ लोग जो कि पोकेमोन के सच्चे फैन हैं वो रोए थे, क्योंकि ये एपिसोड ही कुछ ऐसा था क्योंकि बटरफ्री जो कि ऐश का पहला खुद पकड़ा हुआ पोकेमोन था वो रिलीज हो गया था, तो यार रोना तो आएगा ही ना। तो आप भी अपना रिएक्शन इस एपिसोड से ज़रा मेरे को नीचे कमेंट्स में भी बताना, तो वो जिंदा हो जाता। और लोगों का तो नहीं पता लेकिन मैं इस सीन में बहुत ही ज़्यादा रोया था। नंबर 7, ऐश कैचेस चारमेंडर। तो यार ऐश ने अपने वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग या फिर कह दो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को ऐसे ही नहीं पकड़ लिया था। ऐश को चारमेंडर बारिश में भीगता हुआ मिला था क्योंकि उसका ट्रेनर उसको छोड़ के चला गया था और बेचारे चारमेंडर को नहीं पता था कि वो उसको रिलीज करके गया है, तो इसीलिए वो उसी के इंतज़ार में वहाँ रुका था। और सही में उसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी, मतलब हमने देखने को मिला था कि चारमेंडर कैसी स्थिति में था, वहाँ पर बारिश में भीग रहा था, उसकी पूंछ की आग बहुत ही ज़्यादा मतलब बंद ही होने वाली थी, और तुम्हें पता ही होगा कि अगर किसी फायर टाइप पोकेमोन की पूंछ की आग बंद हो जाती है तो मर भी जाता है। तो इसीलिए ये बैक स्टोरी और मतलब ये कह लो स्टोरी या फिर ये एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। नंबर 6, बाय बाय वीजिंग एंड आरबॉक। तो यार जो लोग टीम रॉकेट को ईविल छोड़कर कॉमेडियन मानते हैं उनके लिए ये एपिसोड सही में हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हुए पोकेमॉन्स वीजिंग एंड आरबॉक को रिलीज़ किया था। सही में ये बहुत ही ज़्यादा रुलाने वाला था, जो कि उनके सबसे बेस्ट पोकेमॉन थे और उनका सबसे साथ दिया था उन्होंने ही उनको रिलीज़ कर दिया था। तो नंबर 5, बाय बाय सरीना। तो यार ये एपिसोड कुछ फैंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग भी कह लो, तो कुछ फैंस के लिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस एपिसोड में सरीना से ऐश से दूर चली गई थी और मतलब या कह लो कैलॉस रीजन छोड़कर होयन रीजन चली गई थी, क्योंकि आगे मैं अब क्या बोलूँ आप सभी जानते हैं। नंबर 4, फेयरवेल चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड फैंस के लिए ये एपिसोड मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग था बिकॉज इसमें ऐश का बेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन जो कि है चारिज़ार्ड ट्रेनिंग के लिए चले जाता है और ऐश के चेहरे पे वो दुख कहने लायक है। नंबर 3, ऐश रिलीजेस हिज ग्रेनिंजा। ये एपिसोड XYZ सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड था या फिर कह लो मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में ऐश ने अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन या कह लो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो वो रिलीज़ कर दिया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर कैलॉस रीजन को उसकी ज़रूरत थी, तो इसीलिए ये एपिसोड भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। नंबर 2, बाय बाय पिकाचू। अब सब लोग बोलेंगे क्या पिकाचू, कब, कहाँ, कैसे, तो रुको बताता हूँ। कैंटो के एक एपिसोड में जब पिकाचू को उसका ग्रुप मिलता है तो पिकाचू वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, तो वहाँ पर ऐश सोचता है कि और डिसाइड भी कर लेता है कि पिकाचू को वहीं रहने दे, क्योंकि अब सब लोग जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ था, आंसुओं की बारिश। लास्ट एंड फाइनल एपिसोड जो कि है ऐश डाइज। यार ऐश मरता खूब बार है,
एश डाइस। तो यार आई चूज यू मूवी का ये वाला सीन मैं जब भी देखता हूँ ना, मेरे घर में बाढ़ आ जाती है। जी हाँ, आंसुओं की कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐश और पिकाचू का जो बॉन्ड दिखाया जाता है, जब पिकाचू ऐश के देह पे आता है और उससे चिपक जाता है, और मतलब वो भी उससे लड़ता है, और वहाँ पर पिकाचू एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट कर देता है और ऐश उसको बचा लेता है, जिसकी मदद से ऐश तो वहाँ पर ख़त्म मर जाता है, और जो पिकाचू होता है अपना वो ऐश को देखता है और उन दोनों के बीच में बात होती है, और पिकाचू बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो यार ये एपिसोड सही में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, और उसके बाद आखिर ऐश वापस तो आ जाता है, लेकिन सही में उस समय जो दिल हाथ में आ गया था ना, क्या बताऊँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चले जाओ यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना लगे हाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड या बाय।